मैं हूँ ज्योति गर्ग। कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर ग्रेविटेशन को, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप सबको सबसे पहले जो बेसिक टर्म है ग्रेविटेशन, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, ग्रेविटेशन क्या है? एक टाइप का फोर्स है। हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कंसेप्ट में क्या समझते हैं कि जो अर्थ है उसी के पास एक ग्रेविटी है, मतलब अर्थ ही क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अर्थ ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बट अर्थ क्यों अट्रैक्ट कर सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ? क्योंकि अर्थ का मास जो है वो बहुत ही ज्यादा है और बाकी ऑब्जेक्ट्स का मास अर्थ के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। इसलिए अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन हमें इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। अब मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? जिसका मास कम होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? जिसका मास ज्यादा है। जैसे मान लो एप्पल जो है, जब 1665 में इंग्लैंड में एप्पल की ट्री के नीचे 23 इयर्स ओल्ड मैन जो बैठा था, तो उसके सिर पर एक एप्पल आकर गिरा। तो वहां पर उन्होंने क्या उस टाइम पर सोचा? कौन थे वो मैन? कौन थे? आइज़ैक न्यूटन, अ ग्रेट साइंटिस्ट। उनके माइंड में उस टाइम पर यही थॉट आया कि ये एप्पल जो है वो नीचे ही क्यों गिरा है, वो ऊपर क्यों नहीं गया। तो वहीं से स्टूडेंट्स, किसके मतलब हमें किसके बारे में पता चला? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कि पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। जैसे अर्थ का मास जो है वो क्या होता है? ज्यादा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से। तो उस टाइम पर अर्थ क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मैंने बताया है यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? मास के ऊपर। तो यही हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका एक ऑब्जेक्ट का मास है m1 और सेकेंड वाले का है m2। इन दोनों के सेंटर पॉइंट से अगर हम इनका डिस्टेंस मेजर करें तो कितना है? डी डिस्टेंस है। तो इस केस में जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या है? जी एम वन इंटू एम टू बाई डी स्क्वायर। यहाँ पर जी क्या है स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। एम वन क्या है? मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। एम टू क्या है? मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। एंड डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और जी जो है, जी की वैल्यू क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है। क्या है जी की वैल्यू? 6.673 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। आप कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह अगर सोल्व करोगे तो आपको जी की वैल्यू जो है यही पुट करनी होगी। तो इस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। और ये जो लॉ है वो हमारा क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, आइदर स्मॉल और बिग, अप्लाई अ फोर्स ऑन ईच अदर। मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। और वो फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से देखो, जी की जो यूनिट है ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, अगर यहाँ से हम जी निकालें तो जी क्या हो जाएगा? एफ इंटू डी स्क्वायर बाई एम वन इंटू एम टू। एफ की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन। डी की डिस्टेंस की मतलब मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है, बाइंड्स अस टू अर्थ। जो हम अर्थ से चिपके हुए हैं, हम किसकी वजह से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सेकेंड है, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। जो मून अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, जो मून का मोशन है वो भी किस वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन।
सन, अर्थ कहोगे, अदर प्लैनेट्स होगी जो सन के सराउंडिंग रिवॉल्व कर रहे हैं, उनका जो मोशन होगा वो किस वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन, जो समुंदर की जो लहरें उठती हैं वो किस वजह से? मून और सन के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उस वजह से क्या आते हैं? सी में टाइड्स आते हैं, जिनको हम हाई टाइड्स और लो टाइड्स भी कहते हैं। तो ये हमें जो इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स वो जरूर करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की पता होना चाहिए हमें इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है, मतलब अर्थ और मून आपस में एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 6.7 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। क्या है ये? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो जैसे ये क्या है, अर्थ, और ये क्या है, मून, मतलब एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो गया और एक क्या हो गया, मून हो गया। तो अर्थ का स्टूडेंट मास देखो क्या है, 6 × 10⁻²⁴ kg, और मून का मास क्या है, 7.4 × 10⁻²⁪ kg हो गया। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 3.84 × 10⁸। तो अब हम क्या निकालेंगे दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, तो F is equal to G m1 × m2 / d². तो हम ये सारी वैल्यूज जो है स्टूडेंट्स वो पुट कर देंगे इसके अंदर, और जो आंसर आएगा वो हमारा पुट करने के बाद जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2.01 × 10⁻²⁰ न्यूटन। ये क्या आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच का, अर्थ एंड मून के बीच का आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अर्थ है वो मून को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, 2.01 × 10⁻²⁰ न्यूटन, और मून भी अर्थ के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, 2.01 × 10⁻²⁰ न्यूटन। ये दोनों के बीच का क्या हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, 2.01 × 10⁻²⁰ न्यूटन हो गया। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा, फोर्स हमें पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला है फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या है, अर्थ है, या अर्थ का मतलब क्या है, ग्रेविटी। तो मतलब अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, जी। तो फोर्स का फॉर्मूला जो स्टूडेंट्स वो क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए की बजाय एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। जी का मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि मतलब जो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है वो किसके इक्वल होगा, उस ऑब्जेक्ट के मास के इक्वल होगा, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा, कि जिस एक्सेलरेशन से वो ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, एफ इज इक्वल टू जी एम ऑब्जेक्ट मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड एम अर्थ क्या मतलब मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, एफ का फॉर्मूला हमारा क्या है, एम इंटू जी मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास हो गया। हम यहाँ पुट कर देंगे मास ऑब्जेक्ट इंटू मी जी इज इक्वल टू, हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से मास ऑब्जेक्ट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर। आर का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम यहाँ क्या लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ लेकर चलेंगे। तो जी जो है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है वो किसके इक्वल आ गया, जी मतलब ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आगे इसके स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको आज कराया है आपको उसे अच्छे से समझना है, इनको सोल्व करके देखना है। थैंक यू।